question with Neha. Congratulations to the whole team. I wanted to know, you are mostly singer. So how was it experience like acting for the first time in a video? What was your experience regarding that? It was amazing. I think when I did the song, Bhushan ji actually wanted to do a single with me, and he wanted Tony to create a romantic song for me. And when Bhushan ji told Tony bhai that I want to take Neha not as a singer in the video, but as an actress in the video, because people keep telling me, aap kab acting karoge, kab acting karoge. So, is video ke through, I tried. Mera aisa kuch socha nahi tha, maine aisa karungi, but then Bhushan ji wanted me to do. I was like, chalo, try karte hain. And then, जब बात हुई कि वीडियो में ऑपोजिट किसको लिया जाएगा, तो भूषण जी को सबसे पहले उनके यारियाँ मूवी स्टार हिमांश कोहली दिमाग में आए. उन्होंने कहा, आई थिंक नेहा, आप और हिमांश दोनों बहुत क्यूट लगोगे साथ में. एंड व्हेन आई हर्ड इट, आई वाज लाइक, अरे वाह, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती. हम लोग बेस्ट बडीज़ हैं, और जब वीडियो साथ में करेंगे तो, एंड ही सेड कि तुम लोग दोनों साथ में बहुत क्यूट लगोगे. ये एक्चुअली मुझे प्रेडिक्शन लगी थी, बट ये एक्चुअली सच हो गई, क्योंकि वीडियो के नीचे अगर आप लोग कॉमेंट्स देखें, सो देर आर ओनली पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल कॉमेंट्स. पीपल आर सेइंग दैट लुकिंग एट बोथ ऑफ यू, वी आर फॉलिंग इन लव, यू नो, एंड हैश टैग कपल गोल्स, हैश टैग क्यूटेस्ट कपल, ये सब कॉमेंट्स आ रहे हैं. फील्स ग्रेट. हाँ हिमांश, एक कॉमेंट मैं सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी से मेरी शुरुआत हुई आज दिन की. एक कमेंट था जिसमें उन्होंने लिखा था, मॉडर्न डे, मॉडर्न 2018 SRK काजोल. तो काफ़ी इनकरेजमेंट मिल जाता है जब ऐसे कमेंट्स रीड करने को मिलते हैं. और ये कमेंट मैंने नेहा को आके दिखाया. मैंने कहा, नेहा, अब तो मतलब ऑडियंस भी बोल रही है कि फिल्म्स में आओ, प्लीज़ जल्दी से आओ. आप म्यूज़िक में अपना इतना मैजिक बिखेर रही हैं, नाउ इट्स टाइम कि अब आपको फिल्म्स में भी आ जाना चाहिए. टोनी, आप भी थोड़ा सा कन्विंस करिए यार इस चीज़ के लिए, मैं अकेला बोलता रहता हूँ. अब आपने बोल दिया है, तो मेरे से भी ज़्यादा बात आई थिंक आपकी अब सुन ली जाएगी, बिकॉज यू गाइस आर बेस्ट बडीज. अभी यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी है, दैट इज कि जो लिप सिंक आपने किया है, दैट्स परफेक्ट यार. इट्स जस्ट ए कनेक्शन, इट्स जस्ट ए वाइब. गाना सुना, टोनी की आवाज़ में सुना. ये हमारा पहला गाना नहीं है, इससे पहले भी एक गाना हमने किया था, हेलीकॉप्टर करके एक पार्टी नंबर आया था. काफ़ी फेवरेट, काफ़ी मेरे दिल के करीब है. नेहा ने गाया था उस गाने को भी. और इस बार ही जस्ट ऐसा लगा कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, और भाई की आवाज़ तो ऐसे ही लाजवाब है और दिल को छू जाती है. और मैंने हमेशा से उनका बहुत बड़ा फ़ैन उनका भी रहा हूँ, मिले हो तुम हमको. इनफैक्ट मैंने नेहा को जो फर्स्ट टाइम मिले हो तुम हमको जो गाना दिखाया था मेरे एप्पल में, वो इनकी आवाज़ में नहीं था, वो टोनी की आवाज़ में था. और ऐसे दो और गाने जो टोनी की आवाज़ में सेव थे. तो इट्स जस्ट अ कनेक्शन, ब्रोमांस, जो अच्छे से जिसने हेल्प किया पूरा लिप सिंक के लिए. नितिन, हमेशा ना एक बात कही जाती है कि इस इंडस्ट्री में अगर सबसे अच्छा कोई लिपसिंग करता है तो रणबीर कपूर साहब करते हैं. ये सारे क्रिटिक्स कहते हैं, हर कोई कहता है. मुझे लगता है उस लिस्ट में एक नाम और जुड़ना चाहिए कि रणबीर कपूर जैसा ही कोई लिपसिंग अगर कर सकता है तो हिमांश कोहली करते हैं. थैंक यू सो मच मनोज. फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड डाउनलोड आवर Android app. Movie 9 PM.